नमस्कार, मैं हूं अर्ची शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट। यवतमाल के चतारी क्षेत्र में तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में काफी हड़कंप मच गया है। मृतक युवक का नाम संतोष भिसे, उम्र 25 है। इस बीच ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक साजिश होने की आशंका परिवार के सदस्यों द्वारा जताई जा रही है। यवतमाल जिले में एक 7 साल के बच्चे ने रमजान के पवित्र महीने में अपना रोजा पूरा कर लिया है। बच्चे का नाम अर्श अनीस कुरैशी, उम्र केवल 7 साल है। एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ये रोजा रखे जाने की जानकारी है। फिलहाल इस छोटे बच्चे की काफी तारीफ की जा रही है। यवतमाल जिले के मारे गांव के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री घर कुल आवास योजना की 5वीं किस्त न मिलने पर कल मौन आंदोलन किया गया। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी योजना की किस्त न मिलने से कल आक्रोशित नागरिकों ने नगर पंचायत कार्यालय पर इस संबंध में निवेदन दिया है। कारंजा तहसील के सेलगांव धमकुंड जूनापनी गांव में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से संतरे के बागों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच महिला किसान शोभा गाखरे के बगीचे में लगे 40 पेड़ भी उखड़ गए। कई गांव में गर्मी की सब्जियां भी सड़ जाने से अब किसानों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है। कलौदी के बालापुर क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत से लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जल शुद्धिकरण व्यवस्था से नागरिकों की प्यास ना मिटने के कारण अब आक्रोशित नागरिकों ने इस संबंध में कड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बरोड़ा के आनंदवन चौक पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार से कई नागरिकों के मोबाइल फोन चोरी हो जाने की खबर सामने आई है। इस बीच इस बाजार में चोरों की टोलियां सक्रिय होकर अब आक्रोशित नागरिकों ने तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य परिवहन निगम के बस केबिन में अचानक आग लगने से यात्रियों ने खिड़की से छलांग लगाने की घटना सिंदेवाई से सामने आई है। चंद्रपुर की ओर आने वाली इस बस में कई यात्री शामिल थे। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई है। बेमौसम बारिश ने वर्धा जिले को प्रभावित कर लगभग 23 घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 3 पशुओं की दुर्भाग्य से मौत हो चुकी है, जिसके कारण किसान का भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है। हिंगनघाट शहर में नगर प्रशासन 365 दिन पानी का टैक्स वसूल कर केवल 140 दिन जल आपूर्ति उपलब्ध करा रहा है। इस बीच अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने नागरिकों को पूरे 365 दिनों तक पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सीधे पानी के टैंकर पर चढ़कर मार्च प्रदर्शन किया। वर्धा के पवनूर गांव में आज से रथ यात्रा का आयोजन शुरू होने वाला है। गौरतलब है कि विदर्भ के प्रसिद्ध पाताल माता गली की रथ यात्रा बीते 303 साल से जारी है और ये मंदिर अपने 3रे दशक में प्रवेश कर चुका है। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ, आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।